so much. Once again, letting you all know the movie is releasing on 28th of April. Well, we have a special announcement as discussed. So let me hand over the mic to Sir for this announcement. Welcome everyone here. We are all here today. आज हम यहीं पे सब मिले हैं इसलिए कि 22 तारीख को हम बहुत बड़े पैमाने में इसको अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. तो ये समझ लीजिए कर्टन रेजर है. हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसीलिए इनवाइट किया है कि 22 तारीख को बड़े पैमाने में हम बैड बॉय पिक्चर जो आ रही है जिसमें नमोशी चक्रवर्ती एंड अमरीन और द मैजिशियन राजकुमार संतोषी. बस उम्मीद करूँगा आप ये बच्चों को आशीर्वाद करें. और प्रोड्यूसर द मैन हु हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, आई माय डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम. थैंक यू. राजीव बोलिए. नमस्ते. आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए. हमने बहुत मेहनत की है. मोर देन एनीथिंग एल्स दादा का ब्लेसिंग है इस पिक्चर में, दादा का आशीर्वाद है. हम दादा के बड़े फैन रहे हैं. बहुत कुछ सीखने मिला इनसे, किस तरह से मेहनत करके अच्छी फिल्म बनाई जाती है, वक्त पे फिल्म बनाई जाती है, बजट पे फिल्म बनाई जाती है. बहुत लोगों का घर चला है दादा के फिल्मों की वजह से. बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग ने मतलब है अपनी ज़िंदगी सवारी है इन फिल्म इंडस्ट्री में. बट आज मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, आप लोग अपने तरफ से जितना हो सके आशीर्वाद दें, शुभकामनाएँ दें नमोशी चक्रवर्ती और अमरीन को. ये दो यंग टैलेंट्स हैं जो एनकरेजमेंट चाहिए जिन्हें, और मुझे विश्वास है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये भी अपना एक मकाम बना पाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे. पर होता है तो आप बताइए कि कितना प्रेशर है आपके ऊपर एंड बैड बॉय के बारे में कुछ बताइए. आपका नाम? अरुण कुमार. ओके अरुण भाई, फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग. रही बात, आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे लोग जम गए हैं इन्हें देखने के लिए, तो ये लेजेंड नहीं है, ये गॉड है जो 50 साल से हिंदी सिनेमा हिंदुस्तान को अपने काम से कैप्टिवेट कर रहे हैं. सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में दिस मैन इज़ अ लेजेंड. रही प्रेशर की बात, अगर एक डेब्यू मेकिंग एक्टर को आप लेजेंड से कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई कंपैरिजन होता नहीं है. ऑनेस्टली यू कैन नेवर कंपेयर अ लेजेंड टू अ न्यू कमर. बट आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर फॉर वन थिंग, दैट ही टॉट मी टू बी अ फाइटर. My father came from nowhere and he became a king. So he has taught me to be a fighter. रही बात प्रेशर की, मैं इस प्रेशर को प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले, ऐसे प्रोड्यूसर मिले, ऐसे एक्टर मिले, ऐसी हीरोइन मिली पहली फिल्म में, ताकि आप इस मंच पर हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रेशर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप जब आप बैड बॉय देखें 28 अप्रैल को आपको मेरा काम पसंद आया. दैट्स ऑल आई होप फॉर. थैंक यू. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. दादा, बैड बॉय में हमने आपकी एक छोटी सी झलकियाँ देखी, लेकिन आपके फैन चाहते हैं कि आप हर साल तकरीबन 4 से 5 फिल्में करें, लेकिन कुछ फिल्में आपने कम कर दी है इन दिन, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि बैड बॉय के लिए जिम्मेदारी दोनों है, इसलिए कि मैंने कहा क्या करूँगा मैं, बोलते दादा वो हमको कुछ नहीं मालूम, ये गाना है और गाने चाहे एक हो, आधा हो, छोटा सा हो, आपको आना पड़ेगा और आपको इतना सा करना पड़ेगा. सो ही गिव क्रेडिट टू दिस मैन एंड द सॉन्ग इज सच ए बिग हिट नाउ. अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, नमोशी को अच्छा लगा, अमरीन सब चाहते थे कि मैं आऊँ. नाउ आप चाहते हैं कि 3-4 फिल्में हर साल करूँ, लेकिन इस साल तो 3 शूटिंग मैंने ख़त्म की है, लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि अगर आज मुझे बोले कि आप डिस्को डांसर का डांस करिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत कुछ, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ आप बढ़ते हैं घटते हैं, तो डिस्को डांसर मैं नहीं कर सकता, उसी की तरह कुछ कुछ कर सकता हूँ. लेकिन इतना ज़रूर है मैं थोड़ा स्लो डाउन कर गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी जो कुछ भी करूँ, जितना बड़ा नाम दिया है ऊपर वाले ने, एटलीस्ट आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसकी इज्जत रखने की कोशिश करूँ, इसीलिए चूज़ करता हूँ वही फिल्म जो मुझे थोड़ी गुदगुदी दे,
इसलिए अब रिलीज अब देखिए आप देख लिए कि क्या होता है ताशकंद फाइल्स कश्मीर फाइल्स फिर अभी हमने ओटीटी में रिलीज की है अभी कोलकाता में बेस्ट सेलर ओटीटी में कोलकाता में एक पिक्चर की है प्रजापति बंगाली में आज की तारीख में जो इम्पॉसिबल है वो पिक्चर ने करके दिखाया थिएटर में 100 डेज कंप्लीट किया है थिएटर में इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर से और इससे ज़्यादा क्या मांगूँ आप लोगों का प्यार ये प्यार कभी कम नहीं करना बस इतना ही थैंक यू वेरी मच मेरा क्वेश्चन अमरीन के लिए है कि आप करियर का शुरुआत कर रही हैं और आप मिथुन जी जैसे लेजेंड के साथ काम कर रही हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल एक इतने बरगद जैसे इंसान के साथ काम करने का जैसे आप सभी ने देखा जनाबे अली सॉन्ग में मिथुन सर थे एंड उनके साथ डांस करना एक ट्रूली एक्सपीरियंस था वन ऑफ आई थिंक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए एंड सो सर जब शूट पे रहते थे सेट पे रहते थे वो हमेशा गाइड करते थे मुझे और बट हमेशा तारीफ ज़्यादा करते थे सर मेरी मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ सेट पे से एक सीन था जहाँ पे मुझे दौड़ के बस अगर आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ तो आई ओ इट टू पीपल साजिद भाई एंड राज जी हु हैव बिलीव्ड इन मी पुश्ड मी एंड फॉर दैट रीजन आई एम ऑन दिस स्टेज विद माय फादर इन दिस स्टेज आई ओ माय बिगिनिंग टू दीज टू पीपल हु हैव स्टूड बाय मी फ्रॉम द लास्ट 2.5 years आई सैल्यूट यू बोथ फॉर योर लव एंड सपोर्ट हमारा इवेंट है 22 तारीख को इट्स अ प्री रिलीज इवेंट ऑफ बैड बॉय जहाँ हम सब होंगे मौजूद अगेन इट इज़ द विजन ऑफ दिस माइंड ब्लोइंग प्रोड्यूसर तो मैं चाहता हूँ आप सब आए और इन्जॉय करें थैंक यू दैट वॉज ब्यूटिफुल सुनने में कुछ ऐसा लगा कि मैं डैडी को थैंक यू नहीं बोलूँगा ऐसा लगा कि क्या भूल दिया लेकिन ये सच है आप इसे मानिएगा क्योंकि मैं बहुत अजीबोगरीब एक डैडी हूँ जो कहता रहता है कि फाइट योर ओन बैटल एज ए फादर आई एम ऑलवेज विद यू ऑलवेज बिहाइंड यू लेकिन ये स्ट्रगल तुम्हारी है तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि आगे की दुनिया तुम्हें देखनी है मुझे नहीं सो दैट वे आई एम ए बैड फादर बट सॉरी दादा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू स्ट्रेस दिस पॉइंट बिकॉज दादा को तो हम बहुत इज्जत करते हैं दादा के एक लफ्ज एक बात कह दें तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है बट ये सच है दादा ने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया मैं दादा को पहली बार इस फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के दौरान पासिंग में मिला ऐसे गुजर रहे थे वहाँ से वैसे देखा मैंने अदरवाइज ही नेवर एवर सेट वन वर्ड टेक केयर ऑफ नमोशी या नमोशी को डो नथिंग प्योरली बोथ नमोशी एंड अमरीन ऑडिशन डे मैंने पहले साजिद से कहा साजिद भाई मैं मिलूंगा नमोशी से मैं देखता हूँ कैसे है सेटिस्फाइड देन ओनली आई विल बी ऑन द बोर्ड अदरवाइज आई डोंट वांट टू गेट इन द सिचुएशन I was impressed by Namoshi. Same thing. Amreen also I met. I spoke to her. We took some shot. I was convinced and then they were both in the film. That is what it is and it is my honest confession. Thank you. Brilliant. Thank you so much for that confession. We have an announcement, sir. Can I request you to do about the video announcement? All right. So we have an audio visual which will be playing now. Video. Yes. आजकल लोग नहीं करते हैं एंड उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी है मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाने में थैंक यू टू राज जी सर आपके बिना ये मूवी कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी थैंक यू मिथुन सर फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस एंड थैंक यू टू माय कोस्टार फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड हमारा इवेंट हो रहा है 22nd of April को सो एंड इट्स गोना बी अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर बोथ ऑफ अस एंड थैंक यू टू एवरीवन who believed in us. We both newcomers need all your support and love. And so thank you. Thank you. That was well said. Lots of blessing and wishes from all of us. And let's hear from our rising star, Namoshi Chakraborty. Hello everyone. Sajid.